सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और सारे विषयों को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपके फोर्थ सेमेस्टर के, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, सामाजिक अध्ययन हो, सारे विषय आपको मिल जाएंगे। आप सारे विषयों को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये सारे के सारे विषयों के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में आपको 8 के 8 विषयों का हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से हमने बनाया है, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आएगी, क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी ऑफिशियल, जो हमारा है टारगेट यूपी टेट सीटेट का, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके बात करके अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में किसी विचार, शक्ति, अनुभव, किसी घटना या दृश्य को कम से कम 7 या 8 पंक्तियों में व्यक्त करना होता है। संस्कृत या हिंदी भाषा ज्ञान व भाव बोध परीक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को कुछ अनुच्छेद लेखन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मैं बार बार आपको हर क्लास में ये याद दिलाती हूँ कि आपका फोर्थ सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर में जो टीचिंग लगती है वो क्लास 6 to 8 में लगती है। इसीलिए यहाँ पर क्लास 6 to 8 के बारे में भी आपको सारी जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों देखिए, अगर सिंपली आपको पता है, अगर गांव में बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं तो गांव में बच्चे अक्सर आप उनसे किस चीज के बारे में, किस टॉपिक के बारे में लिखने को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने की ही बात की जा रही है। किसी विचार, किसी शक्ति के बारे में, किसी उनके अनुभव के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी दृश्य के बारे में। तो सबसे आसान है बच्चों के लिए मेला और दूसरा है बाजार। ये दो चीजें हैं जिनके बारे में आप बच्चों से, ये दो टॉपिक है जिनके बारे में वो आपको सारी चीजें बता देंगे और वो 7 से 8 लाइन बहुत आसानी से इसके बारे में लिख लेंगे। मैं मेला देखने गया, मैं अपने पिताजी के साथ गया था, वहां पर मैंने जलेबी खाई, वहां पर मैंने पेठा खाया, वहां पर मैंने ढेर सारे खिलौने खरीदे, वहां पर सर्कस की दुकान थी, वहां पर मैंने झूला झूला, ये सारी बातें बच्चा आसानी से लिख लेगा। और मैंने वहां पर नौटंकी भी देखी, ये सारी चीजें बच्चे बहुत ही आसानी से लिख लेंगे 7-8 लाइन। तो इस तरीके से ऐसी किसी घटना के बारे में, किसी दृश्य के बारे में, किसी अनुभव के बारे में बच्चों से कहोगे आप तो आसानी से लिख लेंगे और आपको लिख करके वो दिखा भी देंगे। अब आप बच्चों से कहो अपने गाँव के बारे में लिखो तो वो गाँव के बारे में लिख लेंगे। अगर क्लास 6 to 8 के बच्चे हैं तो वो आसानी से लिख लेंगे कि गाँव हमारा, हमारे गाँव का नाम क्या है, हमारे गाँव के प्रधान कौन है, हमारे गांव में कितने कितने तालाब हैं, गांव में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं खेतों में, ठीक है, कितने घर हैं, आसानी से बच्चे सेंटेंस बना लेंगे तो बच्चे लिख लेंगे। तो बस यही अनुच्छेद लेखन कि बच्चे अपने भावों को, विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं लेखन के माध्यम से लिख करके, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग शैली, तरंग शैली, चित्र शैली और न्यास शैली। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि बच्चों को जब हम कुछ लिखने के लिए देते हैं या कोई भी चीज होती है तो उसके बारे में हम किसी घटना के बारे में ही अगर हम बच्चों को लिखने को दे रहे हैं तो उसका शीर्षक हमें बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए हमारे लिए, कि बच्चे उसके बारे में अच्छे से जानते भी हो और उन्हें लिखने में कोई संकोच ना हो। तो अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग में ही शीर्षक प्रायः निहित होता है, इसलिए इन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः अनुच्छेद 300 से 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए। अब अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती है? पहला है पूर्णता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है विषय केंद्रित, चौथा है स्वतंत्र लेखन कला और पांचवा है सीमित संतुलित आकार, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं या किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो वो कहानी पूरी होनी चाहिए, यानी कि पूर्णता होनी चाहिए उसमें, जहां से कहानी शुरू हुई फिर वो कैसे खत्म हुई, फिर क्रमबद्धता होनी चाहिए, सारी चीजें क्रम से लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने मेले में पेठा खाया फिर मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस कि मैं मेला देखने गया, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। तो क्रमबद्धता भी होनी चाहिए।
और विषय केंद्रित, जिस विषय के बारे में हम, अगर मेले के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मेले के बारे में ही उसमें बात करेंगे, उसमें गांव की बात बीच में नहीं लाएंगे। फिर है स्वतंत्र लेखन कला, यानी कि यहाँ पर किसी के दबाव में आकर के ना लिखा जाए, अपना स्वतंत्र होकर के लिखा जाए जो भी लिखा जाए। फिर है सीमित संतुलित आकार, यानी कि जो आकार है अनुच्छेद का वो सीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा 10 पेज लिखता चला जा रहा है, उसको जो भी समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 क्या है? हिंदी साहित्य की विधाएं एवं लेखक का परिचय। तो हिंदी साहित्य की विधाओं में कविता है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, ये सब साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, और लेखकों का भी परिचय यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। कविता का मतलब क्या होता है? तो मानवीय भावों की सहज अभिव्यक्ति को ही कविता कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं तथा मनोभावों को छंदोबद्ध एवं अलंकारिक रूप में प्रकट करना ही कविता है। पद्य द्वारा मानव का भावात्मक विकास होता है। काव्य हमारी भावनाओं का उत्सर्जन करता है। हिंदी के अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता का परिभाषा क्या दी है? पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। तो देखिए यहाँ पर, अब पंडित जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा? पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम क्लास 1-5 की बात करें तो क्लास 1-5 में कविता बहुत बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कविता के माध्यम से ही हम बच्चों को अच्छी आदतें सिखा पाते, जैसे कि हुआ सवेरा चिड़िया बोली तब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, इस तरीके से एक धुन होती है बच्चों के अंदर उस कविता को पढ़ने की, और वो ये सोचते भी हैं कि हाँ इस तरीके से हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो अच्छे बच्चे कहलाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये क्या है? जोश से उत्प्रोत कविता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये तरीके से देशभक्ति से उत्प्रोत कविता है। तो कविताएं जो है वो हमारे हिंदी साहित्य में एक तरीके से कह सकते हैं कि जान होती हिंदी साहित्य की, और यहाँ पर जो एक तरीके से मानव मन में जो चल रही वेदनाएं होती हैं या जो मानव मन की कल्पनाएं होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से व्यक्ति इसमें निखार पाता है, या लेखक निखार पाता है, ठीक है, या कवि, क्योंकि कविता है तो कवि जो है वो अच्छे से इसमें अपने भावों को, विचारों को, मन के भावों को कह पाता है। अब देखिए इसके बाद है हिंदी काव्य साहित्य का विकास कैसे हुआ। देखिए, हिंदी साहित्य सामान्य प्रवृत्तियों को समझने के लिए हमें उसके आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है, और यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसमें वीरों का खूब बखान होता था, खूब बड़ाई होती थी, और यहाँ पर आप देखिए ये संवत 1050 से 1375 तक है। फिर भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं, ये संवत 1375 से 1700 तक है। फिर रीति काल है उत्तर मध्य काल, संवत 1700 से 1900 तक है। फिर आधुनिक काल आता है और ये संवत 1900 से अब तक चल रहा है। और आधुनिक काल में सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसके अलावा प्रेमचंद भी आते हैं और जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, ये सभी लोग आते हैं इसमें, सुमित्रा नंदन पंत है, ये सारे के सारे कवि आ जाते हैं। अब कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है? जब भी हम कविता बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना होता है जब बच्चों को हम कोई भी कविता सुनाते हैं? जैसे तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास, इस तरीके से थोड़ा हाव भाव भंगिमा के साथ बच्चों को हमें पढ़ाना होगा जब भी कोई कविता हम कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो अगर हम हाथों का यूज नहीं करेंगे, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का यूज नहीं करेंगे तो बच्चे उस कविता का भाव नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि कोई भी कविता कहानी शिक्षण कुछ भी कर रहे हैं हम इसमें, तो अपने हाव भाव, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को इस तरीके से दिखाएं कि बच्चों को वो समझ में आए, ठीक है। तो शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करें। अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए, बिल्कुल सही है। पहले बच्चों को हमें खुद अच्छे से कविता को बिल्कुल याद करवा देना चाहिए, अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं, फिर वो खुद उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे।
फिर है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग पद्य शिक्षण में कम किया जाए, यदि किया भी जाए तो भाषा सौंदर्य भाव सौंदर्य का परिचय रस मग्न करने और अर्थ बोध की दृष्टि से ही किया जाए। फिर है बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक बार जब आपने कविता बच्चों को सिखा दी है, बच्चों को याद हो गया, तो वो बच्चों को बार बार रिपीट करवाई जाए, बार बार दोहराई जाए। फिर है कुछ शब्द देकर छात्रों से कविता बनाने को कहें, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों को हम कुछ नए शब्द दे करके उनसे कहें कि इन शब्दों से कोई कविता बनाओ। अब इसके बाद हम देखेंगे निबंध लेखन के बारे में, निबंध का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है। तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे निधन बंध अर्थात भली प्रकार से बंधा हुआ कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे का समानार्थी है। ऐसे शब्द का अर्थ है मुक्त स्वच्छंद। निबंध गद्य साहित्य की वह मुख्य विधा है जिसमें भावों तथा विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्त किया जाता है। यानी कि अपने मन के भावों को विचारों को सही प्रकार से एक क्रम में हम व्यवस्थित इसमें करते हैं, किसमें, निबंध में। तो निबंध शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, तो पहला है छात्रों में निबंध लिखने के प्रति अनुराग अफेक्शन की भावना जागृत करना। यानी कि निबंध लिखन का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में लिखने की जो कला है उसको विकसित करना। फिर है छात्रों में पर्यवेक्षण शक्ति का विकास करना। फिर है छात्रों में स्पष्ट तथा शुद्धता पूर्वक निबंध लेखन में समर्थ बनाना। छात्रों को स्पष्ट तथा शुद्धता पूर्वक निबंध लिखने में समर्थ बनाना, ये कैसे पॉसिबल है, जब बच्चे बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे तो उनकी जो राइटिंग होगी, जो वर्तनी होगी, जो स्पेलिंग होगी, जो मिस्टेक वो करते थे वो नहीं करेंगे। और इस तरीके से बच्चे निबंध तो लिखना सीखेंगे, साथ ही साथ वो सही सही लिखना और सुंदर सुंदर लिखना भी सीखेंगे। छात्रों को अपनी न्याय संगत बुद्धि के द्वारा उचित तथा थोड़े से सार्थक शब्दों के भाव व्यक्त करना सिखाना। फिर है छात्रों को वाक्य प्रयोग द्वारा विकसित शब्दकोश पर अधिक अधिकार प्रदान करना। इसके बाद आता है निबंध के प्रकार। तो देखिए निबंध शिक्षण की प्रक्रिया में निबंध के दो भेद होते हैं, विचार प्रधान निबंध एवं भाव प्रधान निबंध। परंतु विषय एवं शैली के आधार पर निबंध के निम्न भेद किए जा सकते हैं। पहला है चिंतनात्मक या विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावनात्मक या व्यक्तिगत निबंध, तीसरा है कथात्मक या विवरणात्मक निबंध, चौथा है मनोवैज्ञानिक निबंध, पांचवा है प्रतीकात्मक निबंध, छठवां है हास्य या व्यंग्यात्मक निबंध, सातवां है संस्मरणात्मक निबंध, आठवां है ललित निबंध। तो ये सब अलग अलग निबंध है। किसी में भावनाएं व्यक्त करते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत बातें लिखते हैं, किसी में हम किसी घटना का विवरण करते हैं, ठीक है, किसी में हम हास्य या व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं किसी के ऊपर व्यंग करते हुए। तो ये अलग अलग प्रकार के निबंध होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कहानी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहानी ही वो टॉपिक है जिससे बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं या हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर कर पाते हैं। तो कहानी का जो अर्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी के बारे में यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। कहानी की रचना करना एक कला है। चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। आप कहानी सुनाइए क्लास में, भी देखिए सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो कहानी का वर्गीकरण, कहानी रचना शिक्षण के दृष्टिकोण से कहानियों को तीन वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है घटना प्रधान कहानियां, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कहानियां और तीसरा है चरित्र प्रधान कहानियां। अब कहानियों का क्या उद्देश्य होता है, बच्चों को हम कहानी क्यों सुनाते हैं। देखिए छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाने के लिए। दूसरा है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। फिर तीसरा है छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना, यानी कि कहानी के प्रति उनके अंदर रुचि होगी तो वो ढेर सारी किताबें पढ़ना चाहेंगे और जब वो किताबें पढ़ना चाहेंगे तो आसानी से उनकी पढ़ने की जो लय होगी वो और अच्छी होगी, उनकी जो मौखिक भाषा है वो और अच्छी होगी। फिर है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और फिर है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं।
तो पहला है गहन अध्ययन प्रणाली। ये क्या है? गहन अध्ययन प्रणाली का अर्थ है कहानी में आए कठिन शब्दों, विचारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या करते हुए कहानी को पढ़ना। यानी कि कहानी में अगर कोई कठिन शब्द आ गया तो बच्चों को हम उसके अर्थ के बारे में बताएंगे। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ गृह, अब गृह का मतलब बच्चा नहीं समझ रहा है कि घर होता है, तो उसका अर्थ हम बच्चे को बताते हुए चलेंगे ना। तो बस वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर कोई मुहावरा आता है तो उसका अर्थ बता देंगे, कोई लोकोक्ति आती है तो उसका अर्थ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा आ गया मुहावरा, तो बच्चों को इसका अर्थ बताएंगे ना कि ऊंट के मुंह में जीरा जो मुहावरा है वो क्यों कहा गया है, आखिर में इसका अर्थ क्या होता है। फिर है अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली। तो कहानी का आरंभ 2-3 वाक्यों से करके अथवा एक अनुच्छेद देकर पात्रों, घटना, वातावरण, उद्देश्य आदि को सभी छात्रों पर छोड़ दिया था। यानी कि हमने 4 लाइन कविता कहानी बता दी, उसके बाद बच्चों से कहा अब इस कहानी को तुम खुद आगे बढ़ाओ और इनके पात्रों को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए इस कहानी को पूरा करो। तो इससे भी बच्चों के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, कल्पना करने की, वो डेवलप होती है। फिर है चित्र प्रदर्शन प्रणाली। तो इस प्रणाली में कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र छात्रों के सम्मुख प्रदर्शित कर दिए जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि चलो अब इससे एक कहानी बनाओ। जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी, इसको हम चित्र के माध्यम से आसानी से दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, इसके बाद है मौखिक कहानी कथन प्रणाली। तो यह विधि एकाग्रता एवं श्रवण शक्ति का विकास करती है और शिक्षक इसी का प्रयोग करते हैं जब कक्षा में कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो बच्चे एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के टीचर की कहानी को सुनते हैं और अच्छे से फिर जब टीचर उससे प्रश्न पूछते हैं उस कहानी से रिलेटेड, तो बच्चे उस कहानी से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर भी देते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आज हमने यहाँ पर कहानी तक कंप्लीट किया। अब कल हम एकांकी के बारे में पढ़ेंगे, नाटक के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हिंदी की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और आपको मैंने कहा था कि क्लास के लास्ट में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी अपने चैनल का, टारगेट यूपीटेट सीटेट का, जिससे आप कॉन्टेक्ट करके आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज को कैसे परचेज करना है वो आप जान पाएंगे। तो 77055945। बस इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करवाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।